नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 8 में इकाई कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जो इकाई के जो लेखक है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 में जन्मस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। माता का नाम था सुभद्रा देवी सुभद्रा शर्मा एवं पिता का नाम था खुशीलाल शर्मा, पत्नी का नाम था विमला शर्मा। उन्होंने राजनीतिक पार्टी में काम किया था, वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शिक्षा उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज में की थी एवं साथ ही साथ उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था, तो राष्ट्ररत्न दी लिविंग लीडर्स ऑफ लो एवं गोल्ड मेडल से उन्हें नवाजा गया था। शंकर दयाल शर्मा का निधन सन 26 दिसंबर 1966 में नई दिल्ली में हुआ था। यह कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जो लेखक यानी कि साहित्यकार का परिचय हुआ। अब हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें शंकर दयाल शर्मा को नवाजा गया था। साथ ही साथ उन्होंने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का रेखा चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। शंकर दयाल शर्मा ने पूरी तरह से लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व को यहाँ पर उजागर करने का प्रयत्न किया है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता मुंशी शारदा प्रसाद एवं माता का नाम था रामदुलारी देवी। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री को लोग उपनाम श्रीवास्तव से जानते थे एवं उनके पिता जो थे वह अध्यापक थे। पुरस्कार भी उन्हें कई मिले हैं, उन पुरस्कारों में है भारत रत्न पुरस्कार, साथ ही साथ उन्होंने एक फेमस लोगन दिया है जो है जय जवान जय किसान। हमारे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का जो जीवन दर्शन था वह बिल्कुल कर्म से भरा, यानी कि अपने भाग्य पर विश्वास न करके सिर्फ कर्म पर विश्वास करने वाले ऐसे महान व्यक्ति की निधन 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुई थी। तो यह कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमने जाना। अब हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें किस प्रकार उजागर किया है उसके बारे में हम जानेंगे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। विद्यार्थी मित्र, आप तो जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो पहले गरीब हो, लेकिन वह जब आगे आता है तो उनके कर्म या सफलता जो मिलती है तो उसके कर्म के अनुसार ही उसे सफलता मिलती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री की जो परिस्थिति बहुत ही गरीब परिस्थिति में वह पैदा हुए थे, सामान्य परिवार से थे, लेकिन जब भी वह प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे तब भी वह सामान्य ही बने रहते थे। तो ऐसे वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। इस इकाई में समाविष्ट जो मूल्य थे वह थे समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा एवं कर्मठता एवं सेवा। तो यह सारे गुण हमें कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री में देखने को मिलते थे। ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा आगे बताते हैं कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त तो है। अब देखिए कि शंकर दयाल शर्मा ने किस प्रकार शास्त्री जी को उपनाम देकर उन्होंने उजागर किया है। पूरी तरह से उनके बारे में
जानकर फिर हमारे सामने उनका व्यक्तित्व रखने का प्रयत्न किया है कि शंकर दयाल शर्मा आगे शास्त्री जी के बारे में बता रहे हैं कि उनके नाम के साथ लाल बहादुर शास्त्री तो था, लेकिन उनके नाम के आगे कर्मयोगी शब्द जो विशेषण जोड़ा गया था वह बिल्कुल उपयुक्त था। उपयुक्त यानी कि उचित था। कर्मयोगी का मतलब होता है कि जो कर्म से जुड़ा हुआ होता है, हमेशा सफलता पाने के लिए कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति यानी कि कर्मयोगी। तो शास्त्री जी के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा मालूम पड़ता है। शंकर दयाल शर्मा ने आगे कहा है कि उनके नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण जोड़ना तो बिल्कुल उचित है ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे तो उनका जो सारा जीवन ही कर्म से भरा मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। आगे वह बताते हैं कि वह सामान्य परिवार में से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद, यानी कि अगर आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो यह नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमें कोई सामान्य नौकरी मिल जाती है, कोई सामान्य पोस्ट मिल जाती है, या कोई उच्च अधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, अन्य पद मिलने पर हर एक व्यक्ति में अहंकार या अहम आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ कि शास्त्री जी कभी वह सामान्य थे, वह सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री के पद मिलने के बावजूद भी यह बात वह नहीं भूले। अगर कोई और व्यक्ति होता तो यह बात भूल जाता कि मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ। आज वह अपनी बीते हुए कल को वह भूल जाता, लेकिन आज मैं क्या हूँ उसे ही सिर्फ याद रखता। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही है। शास्त्री जी के जो पिताजी थे वह अध्यापक थे, बचपन से ही ऐसे उच्च विचार उन्हें मिले थे, उच्च संस्कार मिले थे कि अपनी परिस्थिति को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे उच्च विचार वाले व्यक्ति ऐसे ही महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा जो है वह कहना चाहते हैं कि उनका रहस्य यानी कि भेद, उनका जो रहस्य कर्मयोगी होने में ही छिपा है। सिर्फ कर्म पर ही विश्वास करते थे, यह रहस्य उनका छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते और अचानक कभी सफलता मिल जाती थी। यहाँ पर कहना चाहते कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री उन लोगों में नहीं थे जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते। हम जानते हैं कि कई बार कहते हैं हम कि हमारा भाग्य हमें साथ नहीं देता या भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही था। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री भाग्य पर भरोसा करके बैठने वालों में से नहीं थे। वह तो मानते थे कि भाग्य पर भरोसा करने के बजाय हमें अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। हम जितना कर्म करेंगे उतनी ही हमें सफलता मिलेगी, ऐसे उनके विचार थे। तो वह कहना चाहते हैं कि हम भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते पर अचानक हमें सफलता मिल जाती, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। तो यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा आगे बताते हैं कि हमें कभी अचानक ही सफलता नहीं मिल जाती, लेकिन कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री तो उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय, आप जानते हैं कि आज के समय में जो लोग होते हैं अधिकतर अपने भाग्य पर हाथ की लकीरों पर, लकीर यानी कि रेखा पर यानी कि हाथ की लकीरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कोई साधु संत आता है हमारे घर में तो हम उनको हाथ दिखाते हैं और वह अपना यानी कि हमारा हाथ देकर हमें हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमें नौकरी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, ऐसा हमें बताता है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होता तो जो हाथ की लकीरों के
बात जानकर, हाथ की लकीरों को जानकर अगर हमारा भाग्य लिखा गया होता तो संसार में कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं होता। यहाँ पर ऐसे विचार रखने वाले जो शास्त्री जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ हाथ की लकीरों की लकीरों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर विश्वास करता हूँ। शास्त्री जी क्या कहते हैं कि हमारी हाथ की लकीरों में हमारा भाग्य नहीं लिखा, लेकिन हमारा जो भाग्य है वो तो सिर्फ और सिर्फ चिंतन और कर्म की शक्ति पर होता है। चिंतन यानी कि मनन करना, सोचना, और कर्म, कर्म यानी कि काम करना, काम की शक्ति हमारे में कितनी है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, न कि हाथ की लकीरों में। तो ऐसा महत्व देने वाले हमारे जीवन में क्या होने वाला, ऐसा महत्व और हमें कौन सी चीज पर विश्वास रखना चाहिए, कौन सी चीज पर भरोसा रखना चाहिए, ऐसे महान उच्च विचारों वाले शास्त्री जी कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ चिंतन यानी कि हमें आगे सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमारा भाग्य अगर हमें सुधारना है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हमें मनन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि शास्त्री जी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर भरोसा अधिक भरोसा करते हैं और क्रमशः ऐसे अपने विचार को आगे रखते हुए सदा अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे चले जाते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। देखिए कि शास्त्री जी क्या कहते हैं कि उनके लिए तो सिर्फ कर्म ही ईश्वर था। आप हथेली की जो लकीर होती है उसमें आप भाग्य ढूंढने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें हमें ईश्वर नहीं दिखाई देता, लेकिन शास्त्री जी के विचारों के अनुसार तो सिर्फ उनका कर्म ही ईश्वर था। वह सिर्फ ईमानदारी से काम करो, कर्म करो, ईमानदारी अपने जीवन में ईमानदारी रखो और सिर्फ पूरी ईमानदारी से काम करके ही ईश्वर को हम पा सकते हैं, इसीलिए सिर्फ वह अपने कर्म को ईश्वर मानते थे। और जो काम करते हैं इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहो। क्या कहना चाहते हैं कि काम करना ही केवल उचित नहीं है, काम तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन उस काम के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित होना चाहिए। क्योंकि अगर हम काम करते हैं लेकिन वह काम मन बिना करते हैं या लगाव बिना करते हैं तो वह काम काम नहीं कहलाता, या वह काम कोई स्वार्थ से करते हैं तो वह काम काम नहीं कहलाता। हम जो काम करना चाहते हैं, हम जो काम करते हैं वह संपूर्ण भाव से हमें समर्पित होकर करना चाहिए, हमें अपने आप में समर्पित होकर करना चाहिए, ऐसा वह कहना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी है। क्या कहना चाहते आगे कि ऐसा नहीं था कि शास्त्री जी को कभी फल की प्राप्ति के अवसर नहीं मिले, उन्होंने कार्य किए, ईमानदारी से कार्य किए और उन्हें फल के अवसर भी मिले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि जब भी उन्हें हमेशा फल के अवसर मिले थे उन्होंने जो काम किए थे वह काम की उन्हें तुलना मिली थी, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस फल को हमेशा उपेक्षित दृष्टि से ही देखा था। उपेक्षित दृष्टि देखा मतलब कि उस फल की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उन्होंने हमेशा बेपरवाही रखी। वह तो सिर्फ यही मानते थे कि काम मैंने किया है तो हमेशा निस्वार्थ भाव से किया है, फल की आशा के बिना किया है, इसीलिए इस काम के प्रति मुझे बेपरवाही होना चाहिए, ऐसा वह मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने काम के प्रति फल के अवसर जब भी मिले उपेक्षित दृष्टि ही रखी थी। उनका जीवन दर्शन
दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, प्रतिरूप यानी कि उदाहरण था। आगे शंकरदयाल शर्मा शास्त्री जी के बारे में कहना चाहते हैं कि उनका जीवन दर्शन यानी कि जीवन में अपनाई हुई जो विचारधारा होती है उसे जीवन दर्शन कहते हैं। हमारे जीवन में यहाँ पर जीवन दर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने शास्त्री जी ने एक ही विचारधारा अपनाई थी कि सिर्फ कर्म करो और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पित हो जाओ, यही उनकी विचारधारा थी, यही उनके जीवन में अपनाई हुई विचारधारा थी। तो वह कहना चाहते हैं कि उनका जो जीवन दर्शन सिर्फ गीता के निष्काम कर्मयोगी के प्रतिरूप था। विद्यार्थी मित्र, आप तो जानते हैं कि हमारे धर्म पुस्तक गीता में भी लिखा है कि हमेशा निष्काम कर्म ही करने चाहिए और कभी फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा। यहाँ पर जो शास्त्री जी का जो जीवन दर्शन था वह सिर्फ और सिर्फ गीता के आधार पर था। उन्होंने भगवत गीता को पूरी तरह से पढ़ा था और पूरी तरह से अपने आप में वह भगवत गीता में समर्पित होकर उनके आदर्शों पर ही चलने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए यहाँ पर जो शंकरदयाल शर्मा ने वह कहना चाहते हैं कि उनका जो जीवन दर्शन था उनके जीवन दर्शन यानी कि उनके जीवन में अपनाई हुई जो विचारधारा थी वह सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म पुस्तक गीता का ही उदाहरण था, यही वह कहना चाहते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। आगे कहते हैं कि आप उनके जीवन के बारे में हमें इतना तो जाना कि वह सामान्य परिवार से होने के बावजूद भी वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे, फिर भी वह सामान्य ही बने रहे। आगे वह कहते हैं कि वह सिर्फ सफलता पाने के लिए अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठने वालों में से नहीं थे, वह सिर्फ और सिर्फ कर्म पर ही विश्वास करते थे। साथ ही साथ उन्हें उनके बारे में आपने जाना कि वह सिर्फ हथेली की लकीरों के बजाय चिंतन और कर्म की शक्ति पर भी विश्वास करते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में शंकरदयाल शर्मा कहना चाहते हैं कि उनके नाम के आगे हमने कर्मयोगी तो विशेषण लगाया ही था, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि कर्मयोगी के साथ साथ उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना भी उचित होगा, उचित यानी कि बिल्कुल उपयुक्त होगा। निष्काम कर्मयोगी कहना उन्हें बिल्कुल उपयुक्त होगा। तो पहले उन्होंने शास्त्री जी के नाम के आगे विशेषण कौन सा लगाया था, यानी कि कर्मयोगी विशेषण लगाया था। जब शंकरदयाल शर्मा क्रमशः धीरे धीरे उनके जीवन दर्शन के बारे में जानते गए, वैसे वैसे उन्हें लगता गया कि उनके नाम के आगे केवल कर्मयोगी ही नहीं लेकिन निष्काम कर्मयोगी कहना उन्हें उपयुक्त होगा, ऐसा वह कहना चाहते हैं। आगे शास्त्री जी के जीवन के बारे में उन्होंने बताया है कि वह अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। शास्त्री जी के जीवन दर्शन के बारे में आगे जब शंकरदयाल शर्मा ने जानने का प्रयत्न किया तो उनके जीवन दर्शन में जो मुख्य तीन ध्येय थे शास्त्री जी के, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि शास्त्री जी क्या करते थे कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। कोई भी व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे अपने ध्येय, अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई रास्ता ढूंढना है, अगर हमें कोई रास्ते पर पथ पर चलना है या उस तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को पता होना चाहिए,
हमारा लक्ष्य क्या है वह पता होना चाहिए। जैसे कि हम विद्यार्थी जीवन में है, अभी विद्यार्थी जीवन में जो है उसे हमारा ध्येय क्या है तो पढ़ना, लिखना और आगे बढ़ना, यही होता है। हमें क्या बनना है, हमारा ध्येय क्या है, तो विद्यार्थी जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि आगे चलकर हमें क्या करना है, आगे चलकर हमें क्या बनना है, तो विद्यार्थी जीवन का ध्येय यही होता है। उसी प्रकार यहाँ पर शास्त्री जी का जो ध्येय था वह उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ दृढ़ आस्था। एक थी दृढ़ आस्था, दृढ़ यानी कि मजबूत, आस्था यानी कि श्रद्धा। उनका सबसे पहला उद्देश्य था मजबूत, अपने इरादों को मजबूत बनाना और ईश्वर में आस्था रखना। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का पाप सिर्फ और सिर्फ ध्येय प्राप्त करने के लिए आस्था रखना जरूरी नहीं होता। सिर्फ मजबूत इरादों से हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन मजबूत इरादों के साथ साथ, श्रद्धा रखने के साथ साथ उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कर्म का भाव भी होना चाहिए। जैसे कि आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ परीक्षा देने से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने वाले। उस परीक्षा में पास होना भी होगा आपको, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसका मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, और उस मूल्यांकन को सुधार लाके, उस मूल्यांकन में सुधार लाके आपको फिर से वह कार्य करना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। सिर्फ परीक्षा देना है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर शास्त्री जी के आदर्शों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में सिर्फ दृढ़ आस्था रखने से हम अपने लक्ष्य तक या मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कर्म का भाव भी होना चाहिए। हमें अगर सफल होना है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें कर्म करना चाहिए, कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पित होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। साथ ही साथ उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यह तीन बातें अगर हमारे जीवन में नहीं होती तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते थे। तो ऐसे ही शास्त्री जी के जीवन दर्शन में भी कुछ ऐसा ही था, यह तीन बातें उनको कहीं से कहीं ले गई थी। सबसे पहले उन्होंने सामान्य परिवार से ऊपर उठकर भी जैसे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे, तो ऐसे उच्च पद तक पहुंचने पर भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ कर्म की शक्ति पर ही विश्वास था, लेकिन साथ ही साथ उनके यह तीन सारे जो गुण थे वह भी बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले तो था दृढ़ आस्था, साथ ही साथ दृढ़ आस्था के साथ साथ उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, और कर्म को पूरी तरह से, उस कर्म में पूरी तरह से समर्पित होना, यानी कि संपूर्ण भाव से समर्पित होना। हम अपने जीवन को, जो कार्य आपने हाथ में लिया है, जो कार्य आप करना चाहते हैं, उस कार्य में संपूर्ण भाव से समर्पित होना, यही बात आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तो ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती थी। क्या कहते हैं शंकर दयाल शर्मा कि मुझे यह तीन बातें उनके संपूर्ण जीवन दर्शन, यानी कि उन्होंने जो विचारधारा अपनाई थी जीवन में, उसमें मुझे यह दिखाई पड़ती थी। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है, शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि एक दिन उन्होंने एक भाषण में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आप चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, वह क्षेत्र चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो,
सामाजिक क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। क्षेत्र यानी कि जो आप काम जिस काम में जिस क्षेत्र में लगे हुए हो, वह चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, तो वह अगर उस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हो, तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हो, कहना चाहते हैं कि आप कोई भी क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो या अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी, कोई भी क्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म का समन्वय होना चाहिए। ऐसे तो आप यह चार जो गुण हैं वह अगर आप में नहीं होंगे तो आप पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, या इन चार बातों का आप में समन्वय होना जरूरी है। तो कौन सी चार बातें थी? तो वह थी आपके कार्य और समर्पण। कार्य करो तो ऐसा करो, निस्वार्थ भाव से करो, पूरी ईमानदारी से करो और संपूर्ण भाव से समर्पित होके करो, यह बात आप में होनी चाहिए। साथ ही साथ भक्ति और कर्म का, कर्म जो करते हैं तो कर्म में आपकी भक्ति और लगन भी होनी चाहिए, सिर्फ कर्म करने की खातिर नहीं करना चाहिए, पूरी लगन और भक्ति के साथ करना चाहिए। यह चार बातों का समन्वय होगा तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे और अपने कार्य में सफल हो सकेंगे, ऐसा शास्त्री जी का मानना है। शास्त्री जी के बारे में आगे बताते हैं, मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ कि साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांतों में ही नहीं थे। आगे शंकरदयाल, इस इकाई के जो लेखक है शंकरदयाल शर्मा, वह बताने चाहते हैं कि मैं शास्त्री जी का सफलता का रहस्य सिर्फ और सिर्फ उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में ही मानता हूँ। चिंतन करना यानी कि मनन करना, सोचना, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी कार्य में सफल होना चाहते हैं, हमारे ध्येय तक पहुंचना चाहते हैं, तो सिर्फ कार्य करने से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें पूरी तरह से संपूर्ण भाव से समर्पित होना पड़ेगा और संपूर्ण भाव से हम चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांतों में ही छिपा हुआ है। यह भी कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, लेकिन इन सभी का विकास तभी हो सकता है जबकि भक्ति और कर्म का समन्वय। भक्ति और कर्म का समन्वय यानी कि जो कर्म करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भी कार्य करो, जो भी कर्म करो, वह पूरी तरह पूरी लगन के साथ, भक्ति के साथ करना चाहिए, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते। तो कार्य में सफल होने वाला व्यक्ति हो, समाज हो, चाहे देश हो, तो उसमें भक्ति और कर्म का सिद्धांत समन्वय होने में ही उनका सिद्धांत होना चाहिए, यही वह कहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार शास्त्री जी के सिद्धांतों के बारे में हमने जाना कि कोई भी व्यक्ति हो, समाज हो और देश के विकास का रहस्य भक्ति और कर्म में ही छिपा हुआ होता है, तो ऐसा वह कहना चाहते हैं। आगे शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण था। देखिए कि कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे ही महान नहीं बन सकता, ऐसे ही शास्त्री जी का भी कुछ ऐसा ही था। शास्त्री जी के जो उच्च विचार थे, उसके उनका जो संपूर्ण जो जीवन था, वह सिर्फ और सिर्फ श्रम, सेवा और सादगी का, समर्पण का अनुपम उदाहरण था। उनमें यह सारे गुण थे तभी वह आगे चलकर ऐसे महान व्यक्ति बन सकते थे। उनका जो संपूर्ण जीवन था वह श्रम यानी कि परिश्रम के आधार पर था, वह अपने कार्य के प्रति संपूर्ण भाव
अपने ग्रंथ थे सेवा, तो उन्होंने कभी भी जिस व्यक्ति की भी सेवा की है या कोई भी कार्य किया हो तो वह निस्वार्थ भाव से वह उन्होंने लोगों की सेवा की थी। साथ ही वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने पर भी वह पूरी तरह से सादगी से ही उन्होंने अपना जीवन बिताया था और समर्पण पूरी तरह से अपने जीवन को लोगों के कार्य में समर्पित कर दिया था। तो ऐसा अनुपम उदाहरण था उनके जीवन का यह। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे बल्कि उनको देखने से उनके भावों का एहसास हो जाता था। कहते हैं आगे कि यह उनके सारे जो गुण थे वह केवल उनके कार्यों और विचारों में ही हमें देखने को नहीं मिलता था, अभिव्यक्ति नहीं पाते थे केवल, लेकिन बल्कि उनको देखने से ही सिर्फ लोग उन्हें देखते थे ना, तो देखने से ही उनका जो पूरा व्यक्तित्व लोगों के सामने आ जाता था। ऐसे उनके भावों का एहसास हो जाता था सिर्फ और सिर्फ देखने से ही। उनके अपने व्यक्तित्व में विचार का अनोखा समन्वय था। समन्वय यानी कि मेल। उनके अपने व्यक्तित्व में अनोखा विचार का अनोखा मेल था। वह अन्य लोगों से कुछ अलग ही थे, अनोखा ही अपने विचारों का अनोखा ही मेल था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे और जो भी कुछ करते थे वह एक सिर्फ राष्ट्र लाभ के हित में ही करते थे। देखिए कि ऐसे उच्च विचार वाले महान व्यक्ति के बारे में हमने जाना कि शास्त्री जी जो भी कुछ करते थे वह जो भी कुछ कहते थे वही करते थे और जो भी कुछ करते थे वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र लाभ के हित में ही करते थे। उन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में, यानी कि देश के हित में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए वह एक बार जो कुछ भी कह देते थे वह तो वह पूरा कार्य को पूरा करके ही छोड़ते थे और वह कार्य संपूर्ण भाव से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित में ही होता था। उनका कोई और भाव उनमें नहीं देखने को मिलता था। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। आगे शंकरदयाल शर्मा ने जिस तरह से शास्त्री जी के जीवन को जाना था तो वह कहना चाहते हैं कि मुझे तो लगता है कि उनके चरित्र की यह सबसे बड़ी विशेषता थी। उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उन्होंने क्या बताई कि वह जो भी कुछ करते थे जो भी कुछ कहते थे वही करते थे। एक बार उन्होंने काम करने का ठान लिया तो वही काम उन्हें पूरा करके ही छोड़ते थे और जो काम करते थे वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित में ही होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो उनके जीवन की यह सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती थी। साथ ही साथ जिसके कारण देशवासी उन पर इतना विश्वास करते हैं और उन्हें चाहते भी थे, उनके यानी कि शास्त्री जी के ऐसे विचारों के कारण ही देशवासी उन पर विश्वास करते थे, बहुत भरोसा करते थे और उन्हें चाहते भी थे। देश के लोगों को भी शास्त्री जी पर बहुत विश्वास था क्योंकि शास्त्री जी ने कभी लोगों का भरोसा तोड़ा नहीं था। शास्त्री जी ने भी अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ लोगों को विश्वास दिला दिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित में ही कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा विश्वास से ही लोग उन्हें बहुत चाहते थे और शास्त्री जी लोकप्रिय भी बने रहे थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीति विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देख लिया था कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया था। देखिए कि आगे जब हमारे पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री के पद पर थे तो जब उनका निधन हो जाता है और निधन होने के बाद शास्त्री यानी कि देश को संभालने की लोगों में बातें थी कि अब इस देश को कौन संभालेगा, लेकिन पंडित नेहरू की जो समृद्ध राजनीति जो विरासत यानी कि यह जो संपत्ति को संभालने और उन्हें आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन
देश ने उस समय साफ साफ देख लिया था कि यह देश को आगे ले जाने का काम और देश को आगे बढ़ाने का काम कोई कठिन नहीं था, क्योंकि जो पंडित नेहरू थे वो भी शास्त्री जी की तरह ही थे। उन्होंने भी देश को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने संभाला था। लेकिन उसके अध्याय में, यानी कि उनके अध्याय के रूप में उन्हें शास्त्री जी मिले थे, और साथ ही साथ पंडित नेहरू के साथ साथ शास्त्री जी भी ऐसे ही कार्य करते थे, तो देश के लोगों को लग रहा था कि देश के लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे संभालने की ताकत सिर्फ और सिर्फ शास्त्री जी में ही, ऐसा उन्हें लग रहा था। और शास्त्री जी ने भी लोगों के जो इस दृढ़ विश्वास को गलत साबित नहीं होने दिया, उन्होंने अपने निर्मल यानी कि पवित्र निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया था। शास्त्री जी ने भी लोगों के विश्वास को न तोड़कर उन्होंने अपने निर्मल पवित्र चरित्र द्वारा और अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा यानी कि इच्छा को भी उन्होंने पूरी तरह से साबित किया कि पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भी उन्होंने पूरी तरह से देश को संभाल लिया था और लोगों में लोकप्रिय भी बने रहे और लोगों के विश्वास को भी टकाए रखना था। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई थी, और जब वे प्रधानमंत्री के जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। आगे शंकरदयाल शर्मा कहना चाहते हैं कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता और थी कि वह सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, उनके पिताजी अध्यापक तो थे लेकिन वह भी एक तटस्थ विचार वाले और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भी अपने जीवन में पूरी तरह से ईमानदारी को पालन किया, ईमानदारी का पालन करके ही वह चले थे। तो ऐसे अपने बच्चे में भी, यानी कि शास्त्री जी में भी ऐसे उन्हें उच्च विचार भरे हुए थे, तो सामान्य परिवार में भी उनकी परवरिश हुई थी। पालन पोषण सामान्य परिवार में होने के बावजूद भी वह देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे थे। आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई भी उच्च पोस्ट अगर हमें मिले या कोई उच्च अधिकारी हम बन जाए तो हम तभी से हम अपने जो आगे के संस्कार भी होते, आगे की परिस्थिति होते वह भूल जाते, लेकिन शास्त्री जी ने ऐसा नहीं किया। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आदर आकर्षण पैदा करते थे। आज भी जब भी वह प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे तब भी उनमें विनम्रता यानी कि लोगों के साथ हमेशा विनय से बात करना, सादगी यानी कि जिस प्रकार पहले वह रहते थे सादगी में, और वैसे आज भी प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनमें पूरी तरह से सादगी हमें देखने को मिलती है, और सरलता यानी कि उनका जो स्वभाव था एकदम सरल, लोगों के साथ प्रेम से बात करना, सादगी से बात करना, नम्रता से बात करना, यह उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करता था। सिर्फ उनको देखने से उनके जो ऐसे उच्च विचार थे वह हमें देखने को मिलते थे, आकर्षण पैदा करते थे। तो इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। आप तो जानते हैं कि बापू यानी कि गांधी जी को ऐसे सादगी भरे लोग ही पसंद थे, तो ऐसे उच्च विचारों के कारण ही, इस दृष्टि से उनका जो ऐसा व्यक्तित्व के कारण ही शास्त्री जी बापू के अधिक करीब यानी कि नजदीक थे। कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। आगे कहते हैं कि ऐसे उच्च विचारों वाले व्यक्ति जब शास्त्री जी के विचारों से गांधी जी यानी कि बापू आकर्षित हुए थे और उनके विचारों से शास्त्री जी आकर्षित हो गए, और उनमें स्वतंत्र संग्राम की जो परिभाषा थी, स्वतंत्र संग्राम के जो विचार इतने भरे हुए थे कि उन्होंने 1921 में अपनी पढ़ाई भी, वह कार्य को पूरा करने के लिए 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई
छोड़ दी थी।